हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, ये ब्लॉग का एक सीरीज चल रहा है, आप देख ही सकते हो। मैंने पिछले कुछ दिन से ब्लॉग का वीडियो दे रहा हूँ, ब्लॉग कैसे आपका खुद का ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, उसको कैसे डिजाइन करना है, कैसे उसको कस्टमाइज करना है, उसको कैसे SEO करना है, फॉर्मल लिंक, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखाया। अगर वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप अगर जब आप ब्लॉग लिखते हो, ब्लॉग में पिक्चर लगाते हो या फोटो लगाते हो, उस फोटो को अगर लगाने के बाद उसको भी आपको SEO करना पड़ेगा। तो उस फोटो को कैसे SEO करते हैं वही मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। फोटो को SEO करोगे तो जल्दी से जल्दी वो आपका जो ब्लॉग है, अगर आपका जो पोस्ट है वो पोस्ट गूगल में रैंक कर जाएगा, तो इसलिए आपका ब्लॉग भी रैंक करेगा। तो यही मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ब्लॉग से रिलेटेड अपडेट आपको मिस ना हो जाए। तो चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं कैसे जो ब्लॉग में जो फोटो डालते हैं वो फोटो को कैसे SEO करते हैं। तो आज आप लोगों को दिखाएंगे आप लोग कैसे अपना जो ब्लॉग है, ब्लॉग में इमेज का ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इसके मतलब अगर गूगल में कोई इमेज सर्च करेगा, इमेज में आपका जो इमेज है, आप जो आपका ब्लॉग में जो इमेज दिए हो वो इमेज में आकर क्लिक करेगा तो आपका ब्लॉग में पहुंच जाएगा वो बंदा। और मैंने पिछले बहुत वीडियो दिया हो, आप अगर नहीं देखे तो उस वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसको कैसे प्रोफेशनल वेबसाइट की तरह बनाते हैं, कैसे टैग लगाते हैं, ये सब मैंने पिछले वीडियो में दे दिया, आप अगर नहीं देखे तो देख लेना। तो आज इमेज ऑप्टिमाइज आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैंने पहले दिन एक पोस्ट लिखा WB हेल्थ रिक्रूटमेंट 2020 का। तो इस पोस्ट को पहले ओपन कर लेते हैं। तो इस पोस्ट को ओपन करने के बाद आपके सामने हमने जो पोस्ट लिखे थे वो पोस्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस पोस्ट में आने के बाद अगले दिन एक भी वीडियो दिया था परमालिंक का, परमालिंक मेरा डिस्क्रिप्शन सब मैंने दे दिया। तो परमालिंक में पहले दिन दिया था WB हेल्थ रिक्रूटमेंट 2020। तो इस जो इमेज है, इमेज को मुझे ऑप्टिमाइज करना है। तो इमेज ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गूगल में जाना पड़ेगा। गूगल में आप जिस पोस्ट लिखे हो सिंपली आपको गूगल में जाना पड़ेगा। तो गूगल में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा आपका जो पोस्ट है, उस पोस्ट के हिसाब से आपको लिखना होगा WB हेल्थ, ठीक है, रिक्रूटमेंट 2020 यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम मुझको क्लिक करना है। ये एक अच्छा कीवर्ड है, इससे बहुत ज़्यादा सर्च होते हैं। तो इस जो कीवर्ड है, कीवर्ड को मुझे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मेरा जो इमेज है, मैं इमेज में जाता हूँ, तो मेरा डेस्कटॉप में वो इमेज है। तो मैं इमेज में गया, इमेज में जाने के बाद यह है इमेज, तो यही इमेज आप देख सकते हो। तो इमेज में जाने के बाद इमेज के जो रीनेम है, रीनेम मुझको चेंज करना है। तो पहले रीनेम चेंज करना है, तो इस पर रीनेम में सिंपली पेस्ट करना है, हमने जो कॉपी की है उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपका जो यहाँ पर जो डैश है, डैश यहाँ पर जो गैप है, गैप में आपको डैश देना है, जैसे परमालिंक में देना पड़ता है वैसे ही आपको इमेज का जो नेम है, नेम में भी आपको यहाँ पर डैश देना पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ पर हर जगह डैश दे दिया। डैश देने के बाद इसको सिंपली सेव कर दिया। तो ये सेव यहाँ पर हो गया। सेव होने के बाद क्या करेगा, पोस्ट में जाना है। पोस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो पहले से जो इमेज है, इस इमेज को हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज नहीं है, तो इसलिए इस इमेज को हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया। ये ऑप्टिमाइज इमेज नहीं है, तो हमको ऑप्टिमाइज इमेज जो है वो यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, ऊपर में जो इमेज है, इमेज के ऑप्शन में क्लिक करना है, अपलोड फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो डेस्कटॉप में इमेज, ब्राउज में क्लिक करना है। ब्राउज में क्लिक करने के बाद हम लोग देखो जो इमेज रीनेम किया, रीनेम इमेज को यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है, सिंपली यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करना है क्योंकि ये ऑप्टिमाइज इमेज है, हमने नाम जो नाम था पोस्ट का उस हिसाब से जो इमेज है, इमेज का भी नाम दे दिया। तो इमेज जो ऑप्टिमाइज हो गया, ठीक है। और एक काम करना है, इमेज के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक, तो ऑप्टिमाइज वाली जो इमेज है, इमेज यहाँ पर लगा लिया। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, इमेज के ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। इमेज के ऊपर क्लिक करने से आपको यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर जो पेन का एक सिंबल आपको मिलता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको मैंने जो वहाँ पर रीनेम किया उस जो टेक्स्ट है, यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ऑल्टर टेक्स्ट और टाइटल टेक्स्ट। तो ऑल्टर टेक्स्ट जो है यहाँ पर
हमने सिंपली जो नाम वहाँ पर वहाँ से कॉपी किए थे उसको यहाँ पर पोस्ट पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद टाइटल जो टेक्स्ट में भी हमने वही जो नेम है नेम को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद इसके कैटेगरी में और कोई अगर नाम मिलता है देखते हैं। WB हेल्थ, ठीक है, WB हेल्थ वॉलेंटियर रिक्रूटमेंट 2020 जो है यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये भी बहुत सर्च होता है तो इस जो कीवर्ड है कीवर्ड को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद कॉमा देने के बाद यहाँ पर उसको सिंपली पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पर दो टाइटल टेक्स्ट हो गया और यहाँ पर एक अल्टर टेक्स्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो अपडेट का ऑप्शन है अपडेट में इसको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपका जो इमेज है इमेज फुल्ली तरीके से इमेज ऑप्टिमाइज हो गया। आप देख सकते हो इमेज को बराबर आप अगर जाओगे यहाँ पर WB हेल्थ रिक्रूटमेंट 2020 और WB हेल्थ वॉलंटियर रिक्रूटमेंट यहाँ पर आ रहा है कीवर्ड, ठीक है। इमेज फुल्ली ऑप्टिमाइज हो गया। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में जो अपडेट का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो पोस्ट है और आपका जो इमेज है फुल्ली यहाँ पर इमेज ऑप्टिमाइज हो गया है। तो ऐसे ही आपका जो इमेज है इमेज को ऑप्टिमाइज करना है और आपको ब्लॉग है ब्लॉग को गूगल में जल्दी से रैंक करना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तभी वीडियो को लाइक करना और फिर लोगों के साथ शेयर करना। और मेरी चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं और कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।